कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, गांव का जीवन, सबका दर्पण ग्रीन टीवी। अब देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रकाश जी, देखिए दूध देने वाले काम में या तो आप भैंस लेते हैं या गाय लेते हैं। जब हम भैंस लेते हैं तो मुर्रा सबसे अच्छा है, उसके अलावा दूसरा हरियाणा के लिए कोई नस्ल नहीं है भैंस में। गायों में नस्ल है, गायों में ये सोचना पड़ता है कि हम देसी गाय ले रहे हैं या दूसरी न्यू जर्सी, होल्स्टीन वगैरह ले रहे हैं। आप खुश नसीब हैं हरियाणा में कि आपके पास करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, जहाँ पर कई तरह की नस्लें हैं और वो बछड़ियाँ बेचते भी हैं। इन्होंने न्यू जर्सी, ये अपना जो जर्सी है उसमें और देशी गायों को मिला करके भी नई नस्लें निकाली है, कार्न स्विस इस तरह की, तो वो भी बहुत अच्छी नस्लें हैं जो गाय की हैं। तो वहाँ करनाल से आप पता करें कि वो कब, अक्सर वहाँ भी मेला लगता है, जैसे पूसा में या दूसरी जगह हिसार में मेला लगता है, करनाल वाले भी मेला लगाते हैं और नस्ल दिखाते हैं, और वहाँ आप अपना ये दे भी सकते हैं कि मुझे इस नस्ल की चाहिए। तो कई तरह की गायें, अच्छी नस्ल की, अच्छे दूध देने वाली। आजकल देसी नस्ल, अगर आपने सरकार से पैसा लेना है जिसमें वो देसी नस्ल को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं, या फिर कोई यूनिट लगाने के लिए 10 गायों की 4 गायों की यूनिट लगाने के लिए अलग से पैसा लेना है सरकार से, तो अपने पशुपालन अधिकारी से भी मिल लें कि वो किस पे मिल रहा है। देशी गायों पे तो मिल ही रहा है। देशी गायें आजकल इसलिए ज़्यादा प्रचलित कर रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या आपने देखा होगा जो अपनी देशी गायें हैं उनमें पीठ पे अपना ये निकला हुआ होता है कुबड़ जिसको कहते हैं, है ना, और जर्सी और होल्स्टीन है, इनका पीठ बिल्कुल एकदम सपाट है। तो ये जो निकला हुआ है उसमें सूरज की रोशनी से कुछ इस तरह के पदार्थ बनते हैं कि दूध बहुत अच्छा बनता है और कई बीमारियों को रोकने की ताकत होती है, जिसको A2 मिल्क कह रहे हैं, A2 दूध। और इसका घी और दूध की बड़ी मांग हो रही है और पैसा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आप देखें कि अगर इस तरह की कोई बात आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो गिर, साहिवाल या हरियाणा नस्ल के गायें भी हैं, गिर पे खास करके और साहिवाल पे जोर दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा देख लें। ये सब किस्में नस्ल जो हैं वो उपलब्ध हैं करनाल में, और करनाल में आसपास भी कई लोग हैं जो इस तरह डेयरी फार्म करके ब्रीडिंग का काम करते हैं और वहाँ बेचते हैं। तो ये करनाल जो संस्था है हमारी वो बता भी देगी कि कौन कौन से जो किसान हैं जो सही नस्ल रख रहे हैं अपने पास, मिलावट नहीं और नस्ल सही ढंग से रख रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि आप कौन सी नस्ल का चयन करना चाहते हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।